हेलो स्टूडेंट्स, आपको मैं अपने चैनल में कक्षा 8, 9 और 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स हिंदी में पढ़ाऊंगा। इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 8 प्रश्नावली 2.4 प्रश्न 3। इस प्रश्नावली का प्रश्न 1 और 2 मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ। तो आप इस समय देख रहे हैं फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो के नीचे जो लाल रंग का बटन आ रहा है उसे दबा दें और साथ में घंटी का बटन दबा दें। सब्सक्राइब फ्री में होता है, इसका कोई पैसा नहीं जाता, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए प्रश्न पढ़ लेते हैं। दो अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या 27 अधिक है, दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चे इसमें हमें संख्या बतानी है, वो संख्या कैसी है? दो अंकों वाली। दो अंकों वाली संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसमें केवल दो ही अंक हों। जैसे 1 से लेकर 9 तक एक अंक होता है, ठीक है। फिर 10 से लेकर 99 तक दो अंक होते हैं और 100 तीन अंकों वाली संख्या होती है। तो दो अंकों वाली संख्या में एक इकाई का अंक होता है और एक दहाई का अंक होता है। तो इस प्रश्न में कहा है इकाई के अंक और दहाई के अंक का योग 9 है, ठीक। उसके बाद कहा है ये जो संख्या इकाई और दहाई के अंक से बनेगी, इस संख्या के अंकों का स्थान अगर हम बदल देते हैं तो जो नई संख्या बनेगी वो पुरानी संख्या 27 अधिक है, ठीक है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें हम क्या करेंगे, इकाई का अंक और दहाई का अंक निकाल लेते हैं। माना दी गई संख्या का इकाई का अंक बराबर x। हमने इकाई का अंक x मान लिया, अतः दहाई का अंक क्या हो जाता है? अतः दहाई का अंक। बच्चों योग में से हम अगर इकाई का अंक घटा दें तो हमें दहाई का अंक प्राप्त हो जाता है। तो 9 माइनस एक्स लिख देंगे, ठीक है। यानी योग में से हमने क्या किया, इकाई का अंक घटा दिया। अब 9 और x को नहीं घटा सकते तो यही हमारा दहाई का अंक हो जाएगा। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपको एक संख्या दी है 27, ठीक। तो इसमें अंकों का योग क्या होगा, 2 + 7 बराबर 9। तो यानी इन दोनों अंकों का योग 9 है। अगर आपसे कोई कहता है इकाई का अंक 7 है तो दहाई का अंक क्या होगा, 9 - 7। यानी योग में से आप इकाई का अंक घटा देते हैं तो हमें प्राप्त होता है 2, और 2 क्या है, दहाई का अंक, ठीक है। ऐसे ही हमने क्या किया, इकाई का अंक एक्स मान लिया और योग में से जब इकाई का अंक हम घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, दहाई का अंक, ठीक है। अब हम लिख लेते हैं संख्या। संख्या संख्या बराबर दो अंक वाली संख्या का सूत्र होता है 10 × दहाई का अंक प्लस 1 × इकाई का अंक, ठीक है। बच्चों ये सूत्र है दो अंकों वाली संख्या का। तो इस सूत्र में हम क्या करेंगे, जो हमारे अंक हैं उसको रख देते हैं। पहले 10 लिखे हैं, ठीक है, गुणा दहाई का अंक क्या है, 9 - x। प्लस का चिन्ह लगाएं, ये 1 लिखा, 1 लिखे हैं, गुणा इकाई का अंक x, ठीक। इसको सॉल्व कर लें, ब्रैकेट के बाहर 10 लिखा है, गुणा लगा है, तो ये जैसे हम ब्रैकेट हटाएंगे 10 क्या करेगा, 9 और x दोनों को ही गुणा करेगा। तो 10 और 9 की गुणा क्या हो जाएगी, 90। माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगाएं, 10 की और x की गुणा 10x, ठीक है। ये प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दें, 1 और x की गुणा 1x, ठीक। यानी हम संख्या और चर की गुणा कर सकते हैं, बट चर और अचर को ना हम जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं। तो इसको और सॉल्व कर लेते हैं, 90, ठीक। अब यहाँ देखिए ये भी चर और ये भी चर है, यानी ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये माइनस का 10x है, ये प्लस का 1x है। प्लस और माइनस की जब भी संख्या होती है तो उन्हें हम घटा देते हैं। 10 में से 1x घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 9x। अब माइनस का क्यों बचा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। तो ये हमारा संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। अब इसमें ये कहा गया है कि संख्या के अंकों का स्थान भी बदलना है, तो चलिए ये भी लिख लेते हैं, संख्या के अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या। बच्चों क्या होगी, देखिए 10 तो सूत्र का होता है गुणा, अब हमें क्या करना है, दहाई के स्थान पर इकाई का अंक लिखना है और इकाई के स्थान पर दहाई का, ठीक। तो 10 × इकाई का अंक लिख देंगे यहाँ पर x, प्लस लगाएंगे, 1 × दहाई का अंक लिख देंगे, 9 - x।
अब इस प्रकार से कौन सी संख्या प्राप्त होगी, इसे सॉल्व कर लेते हैं। 10 और एक्स ही गुणा करेंगे तो ये हो जाता है 10x, ठीक है। प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब एक से किसी भी चीज़ को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, वही आंसर आएगा 9 माइनस एक्स ही गुणा एक से करेंगे तो क्या आएगा 9 माइनस एक्स, ठीक। इसे और सॉल्व कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर भी एक्स और यहाँ पर भी एक्स है, ये प्लस का एक्स है, ये माइनस का एक्स है। प्लस के 10x में से माइनस का 1x घटाएंगे तो क्या बचेगा, प्लस का 9x और यहाँ प्लस 9। तो ये अंकों का स्थान बदलने के बाद प्राप्त संख्या है। हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। और प्रश्नानुसार बच्चों क्या होता है, प्रश्न में दी गई शर्त के अनुसार। और प्रश्न में क्या शर्त दी है, इस संख्या के अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त संख्या, यानी जो हमने शुरू में संख्या बनाई है, कौन सी बनाई है बच्चों, ये वाली संख्या, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, हम अंकों का स्थान बदलेंगे और इस प्रकार जो हमें संख्या प्राप्त होगी, ठीक है, प्राप्त संख्या दी गई संख्या 27 अधिक होगी। इस प्रकार हमने जब अंकों का स्थान बदला तो हमें ये संख्या प्राप्त हुई। अब ये वाली संख्या क्या है, इस वाली संख्या से, यानी जो पुरानी संख्या उससे 27 अधिक है, ठीक। तो अगर हम इस संख्या में से इस संख्या को हटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 27, क्यों, क्योंकि ये 27 अधिक है इससे, ठीक, और ये कम है 27। तो हम बड़ी संख्या से जब छोटी संख्या घटाएंगे तो जितनी अधिक होगी उतना ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस वाली संख्या में से 9x प्लस 9, ठीक है, इसमें से हम जो पहले हमारी संख्या थी 90 माइनस 9x, इसको घटाएंगे 90 माइनस 9x, तो हमें यहाँ बराबर कितना प्राप्त होगा, 27, ऐसा प्रश्न में कहा गया है, ठीक है। अब इधर का आपको सॉल्व करना है, ये तो प्रश्न के अनुसार है कि हमें 27 प्राप्त होना चाहिए, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9x ब्रैकेट हटाएंगे, है ना, प्लस 9 माइनस, क्यों, क्योंकि जैसे ही ब्रैकेट हटाएंगे माइनस और इधर प्लस, जहाँ कोई भी चिन्ह नहीं होता वहाँ प्लस होता है, जब ब्रैकेट हटाते हैं तो चिन्हों की गुणा होती है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और यहाँ आ जाएंगे 90, ठीक, ये बात खत्म हो गई। फिर माइनस और माइनस की गुणा होगी तो प्लस हो जाएगा और यहाँ आएगा 9x और फिर इधर है 27। अब इसमें क्या करेंगे, चार और चार को एक साथ कर लेंगे और संख्या संख्या को एक साथ, देखिए यहाँ पर 9x है और यहाँ पर भी 9x है, दोनों ही प्लस के हैं, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं, तो ये प्लस का चिन्ह है, प्लस के 9x और प्लस के 9x कितना हो जाएगा, प्लस के 18x, ठीक। अभी यहाँ पर ये एक संख्या ये है और एक संख्या ये है, ये माइनस के 90 हैं और ये प्लस के 9 हैं, जब प्लस माइनस की संख्या होती है तो क्या करते हैं, घटाते हैं, और चिन्ह कौन सी संख्या का आता है, जो बड़ी संख्या में होता है, बड़ी संख्या माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का यहाँ 81 बचेगा, 90 में से 9 घटाएंगे, इधर 27 निकालना बच्चों में क्या है, एक्स का मान, तो 18x यहीं लिख दें और बराबर 27, ये माइनस के 81 का साइड चेंज कराएंगे, संख्या के पास लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 81, ठीक है बच्चों। ऐसा क्यों, क्यों, क्योंकि जब भी हम किसी माइनस या प्लस वाली संख्या की साइड चेंज करते हैं तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं, तो हमें 18x बराबर कितना प्राप्त होगा, 108, ठीक। हमें x का मान निकालना है तो x बराबर 108 और बटे 18, ऐसा क्यों हुआ, 18 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ गुणा का चिन्ह है, ठीक है। अब जब गुणा की संख्या साइड चेंज करती तो बटे में जाती है, हमें संख्या संख्या को सारी को एक तरफ करना है, 18 से हम क्या करेंगे 108 को भाग दे देंगे, ये 6 बार में विभाजित हो जाएगा, तो x बराबर हमें प्राप्त होगा 6, ठीक है। और x हमने क्या माना है, इकाई का अंक, तो हम लिख देंगे अतः इकाई का अंक बराबर एक्स बराबर 6, फिर दहाई का अंक, दहाई का अंक 9 माइनस एक्स बराबर, 9 का 9 लिखें, माइनस लगाएं और एक्स का मान 6 रखें, बराबर हमें 3 प्राप्त हो जाता है। अब हम संख्या लिख सकते हैं, संख्या बराबर क्या होती है दोंको वाली, 10 गुणा दहाई का अंक हमारा 3 है, प्लस 1 गुणा इकाई का अंक जो हमें 6 प्राप्त हुआ है, ठीक। 10 की और 3 की गुणा करेंगे 30 हो जाएगा, और प्लस 1 और 6 की गुणा 6 आएगा और इसका आंसर हो जाएगा 30 और 6 36।
जब गुणा और प्लस दोनों दी हो तो सबसे पहले हम गुणा करते हैं, उसके बाद में प्लस करते हैं, ठीक। ये हमारा उत्तर। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।